हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी नार्जो 10 में डू नॉट डिस्टर्ब मोड कैसे अनेबल करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करेंगे सबसे पहले ऐसे, और एक बार फिर से करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढेंगे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन वो मिलती है या नहीं। अगर आपको वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलती तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे भी ढूंढ लेना है, यहाँ पर ऑप्शन है तो जहाँ भी आपको ऑप्शन दिखाई देती है नीचे, आप उस पर ऐसे टैप करेंगे और होल्ड करेंगे, मतलब लॉन्ग प्रेस करेंगे और ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे, तो वो ऑप्शन यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो अब हम बैक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ऑप्शन सेट हो चुकी है। अब हम इसे सिंपली डू नॉट डिस्टर्ब मोड को यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। तो ये अनेबल हो चुका है सिंपली टच करने के बाद। इसे आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिखाई देती तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड दिखाई देगा, इसे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है अनेबल नाउ, यहाँ से आप क्लिक करके इसे अनेबल कर सकते हैं, यहीं से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो जो अगली ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब एट शेड्यूल टाइम, आप दोस्तों यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक डिस्टर्ब मोड ऑटोमेटिकली ऑन चाहिए। इसके लिए आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने लिखना है रूल नेम लिख सकते हैं। तो जो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको इतने बजे ये स्टार्ट चाहिए मोड ऑटोमेटिकली और एंड कितने बजे चाहिए। तो रिपीट पर क्लिक करेंगे तो आपको डे सेलेक्ट कर लेने हैं जिस जिस दिन को ये आपको सेट चाहिए, और इसके बाद आप डन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जो अगली ऑप्शन है वो है साइलेंस मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब, व्हेन इन डू नॉट डिस्टर्ब। दोस्तों इसे आप अनेबल करेंगे तो जब भी आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन होगा तो आपके जो मीडिया वॉल्यूम होती है, जो मतलब जिससे हम सॉन्ग्स की आवाज़ कम करते हैं, वीडियो की आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं, वो भी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो दोस्तों जो अगली ऑप्शन है वो है अलाउड नोटिफिकेशन टाइप्स। तो यहाँ पर आप कैसे कैसे नोटिफिकेशंस को अलाउड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टेटस बार पर, बैनर एट स्क्रीन टॉप, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगली ऑप्शन है अलाउ मैसेजेस फ्रॉम, आप कॉन्टैक्ट्स में से एसएमएस अलाउ कर सकते हैं फ्रॉम एनीवन, या फिर बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं यहाँ पर डिनाई ऑल पर क्लिक करके। ऐसे आप अलो कॉल फ्रॉम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी ऑप्शन है वो है रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेकेंड कॉल फ्रॉम द सेम नंबर विद इन 3 मिनट्स विल नॉट बी साइलेंट। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सेम नंबर से कॉल आती है 3 मिनट के अंदर अंदर तो वो कॉल साइलेंट नहीं होगी, इस ऑप्शन को ऑफ ऑन करने के बाद। तो दोस्तों यही थी इसकी सेटिंग्स।